राज्य के नए डीजीपी बने एमवी राव ने पुलिस मुख्यालय पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस मुख्यालय में मीडिया से बात की। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा कि हमारे कार्यकाल में अगर आप लोगों को अनियमितता दिखती है तो इसकी शिकायत करें, साथ ही अगर मेरे काम में किसी भी तरह की सुधार की जरूरत है तो मुझे जरूर बताएं। साथ ही पुलिस पदाधिकारियों से उम्मीद करेंगे कि अपने कार्य का निष्पादन समय पर और बेहतर ढंग से करें। अपराध को रोकने के लिए थाना स्तर को मजबूत करना होगा और साथ ही आम जनता के पुलिस के प्रति विश्वास जगाना होगा। स्टेक होल्डर्स को हम लोग साथ लेके चलेंगे, जनता पुलिस में भागीदार बनेगा तो इसको हम लोग निश्चित करना, इसी का प्रयास है चीफ जनसाहब। तीसरा है कि मैं अपने मेरे तरफ से लेकर मेरा सारे पुलिस का थाना लेवल का एक चीज पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस दूंगा। मेरे प्रीवियस पोस्टिंग्स में भी हमेशा बताते थे हम अकाउंटेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी एट ऑल लेवल्स, मतलब पुलिस पदाधिकारी का किसी भी लेवल का हो जनता के लिए हर समय जब एक्सेसिबल रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको मिलने में परेशानी हो रही है, ये हम लोग नहीं होने देंगे। और अकाउंटेबिलिटी मतलब हम लोग का जवाबदेही, हर स्तर पर जवाबदेही निर्धारित, जवाबदेही से किसी को हम लोग छूट नहीं देंगे, हर आदमी अपना अपना कार्य के लिए। उन्होंने कहा कि आम इंसान अपनी समस्या को लेकर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर किसी भी माध्यम से शिकायत करती है तो पुलिस जांच कर उसे तुरंत संज्ञान मिलेगी, ताकि लोगों का भरोसा पुलिस पर बढ़े। महिला, बच्चों, बुजुर्ग और कमजोर तबके को लेकर संवेदनशील रहेंगे, साथ ही जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उन पर खास ध्यान दिया जाएगा। मीडिया को भी और मीडिया के माध्यम से जनता को भी, अगर आपको किसी भी स्तर पर कहीं भी कोई भी पुलिसकर्मी या पदाधिकारी से शिकायत है तो निर्भीक होकर वो आप लोग हम लोगों को बताएंगे किस माध्यम, अभी जितना भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म होता है किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचना दे, हम लोग उसको उचित जाँच करा कर त्वरित गति से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि हम लोग सेवा देना चाहेंगे, लोगों को किसी तरह का कष्ट नहीं देना चाहेंगे। और हम लोगों को प्राथमिकता होगी पुलिसिंग में महिला, बच्चे और जो कमजोर सेक्शंस के लोग हैं और सीनियर सिटीजंस हैं। बता दें कि झारखंड कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अफसर एमवी राव तेज तर्रार आईपीएस माने जाते हैं। उनको अपने ही वेतनमान में प्रभार दिया गया है। उनकी पदस्थापना होमगार्ड महानिदेशक, सह महादेष्टा, गृह, रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा में भी बनी रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।